अरे आप कहीं जा रहे थे? अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस? ऑफिस और आप? क्यों, क्या मैं ऑफिस नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं था ना। आप तो छुट्टियों पे हैं, तो यूं अचानक रात को कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जिक्र और अफसोस तो उन बातों को होता है शहर, जिनका हमें पहले से पता हो। अभी तो तुमने कहा ऑफिस जाने का प्लान ही हुआ अचानक। जाहिर अचानक बने प्लान के बारे में तुम्हें पहले से कैसे बता सकते? अच्छा चले, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं? तुम बस अपनी पैकिंग करो। हाँ, पैकिंग? पैकिंग। एक तो पता नहीं तुम बीवियों को सारी बात खुलकर क्यों बतानी पड़ती है। अरे भाई, मैंने एक प्लान बनाया है। अब देखो, उस प्लान के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मजीद कुछ भी। हाँ, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें और सब घर वालों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझे वो सरप्राइज तुम्हें देकर मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें कितनी होगी ये मैं देखना चाहता हूं। खुदा हाफिज। सुलझने की बजाय ये कह रही तो और ज्यादा उलझती जा रही है। इससे कैसे जान छुड़वाऊं? ये चाहेगा तो कुछ और सोचूंगी ना, मौत भी रूठ गई है इससे। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, नाश्ता नाश्ता करेंगे, लगा दूं? लगा दो। मैंने कहा लगा दो। बस अभी लेकर आती हूँ, आप बैठे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि अब मैं तुम्हें बात करने के काबिल भी नहीं समझता। सर, आप चाहें तो मुझसे कसम उठवा लें। मैं आपको कुछ गलत नहीं दे रही हूं, मैं मम्मी की कसम खाने को तैयार हूं।